राजस्थान स्टेट की सेकेंड राउंड की ऑफलाइन काउंसलिंग चल रही है और इसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 3000 राजस्थान रैंक तक काउंसलिंग हो चुकी है। इसके परिणाम भी आ चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा कि राजस्थान में क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ रही है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसकी नजर हरेक स्टूडेंट की बनी हुई होती है राजस्थान स्टेट पर, क्योंकि ये ऑल इंडिया की कट ऑफ को भी काफी इफेक्ट करता है। तो मैं आपको इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि मैं काउंसलिंग में ही यहां प्रेजेंट हूं जयपुर, और जो कल 10 मार्च 22 को जो रिजल्ट आया था उसका भी मैं बताऊंगा, और जो लास्ट कट ऑफ आज क्या रही है 11 मार्च 22 को, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं काउंसलिंग में प्रेजेंट हूं तो काफी स्टूडेंट से, काफी उनके पेरेंट्स से मिला हूं, उन्होंने मेरे को काफी प्यार दिया है। मेरे को इतना पता नहीं था कि लोग मेरे से प्यार करते हैं। अभी मेरा ये दायित्व बन गया है इन सब को देखते हुए कि मेरे को इस चैनल पर और अथेंटिक, जो अथेंटिक न्यूज तो होती है, इससे मैं ज्यादा अथेंटिक न्यूज स्टूडेंट के फेवर में लाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं, तो आइए आपको मैं ले चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यूआर कैटेगरी की फ्री सीट की कट ऑफ आ चुकी है। ये फ्री सीट कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान रैंक 2680 पर क्लोज हुआ है। ऑल इंडिया रैंक 15,064 है। मार्क्स 610 है और लास्ट कॉलेज जीएमसी डूंगरपुर मिला है। यानी कि हमें जो आशा कर रहे थे 613 की हम आशा कर रहे थे, वो 610 पर क्लोज हुआ है, तो ये खुशी की बात है। इसके बाद में हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो राजस्थान रैंक 2852 पर क्लोज हुआ है। ऑल इंडिया रैंक 6021 पर क्लोज हुआ है और मार्क्स 607 पर, इसको भी लास्ट कॉलेज डूंगरपुर मिला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का अभी कंप्लीट अलॉटमेंट हुआ नहीं है, अभी भी सीटें कुछ वैकेंट हैं। जो वैकेंट सीटें हैं मैम वो भी आपको बताऊंगा। तो ईडब्ल्यूएस की आज यानी कि 3000 राजस्थान रैंक तक जो अलॉटमेंट हुआ था उसमें 2985 राजस्थान रैंक कैंडिडेट को, जिसके ऑल इंडिया रैंक 16,825 हैं, मार्क्स जिसके 605 हैं, चूरू मिला है। अब इसमें ईडब्ल्यूएस की सीट अभी भी वैकेंट है, तो ईडब्ल्यूएस की फ्री सीट वैकेंट है 3000 रैंक तक, राजस्थान रैंक 3000 तक अभी भी वैकेंट है। बाड़मेर में ईडब्ल्यूएस बॉयज की एक सीट है, भरतपुर में गर्ल्स की एक है, चूरू में गर्ल्स की एक है, डूंगरपुर में बॉयज की 4 सीट अभी भी वैकेंट है। अब आरयूएचएस पेमेंट राजस्थान की 3000 रैंक तक, आरयूएचएस पेमेंट यूआर जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो राजस्थान रैंक 2970 रही है, ऑल इंडिया रैंक 16,765 रही है, मार्क्स जिसके 605 हैं। यानी कि आरयूएचएस में पेमेंट की सीट 3000 रैंक तक पूरी फिल हो चुकी है, अभी कोई वैकेंट सीट पेमेंट की आरयूएचएस में नहीं बची है राजस्थान रैंक 3000 तक। तो जिन कैंडिडेट को 14 को आना है, तो इस वीडियो के अनुसार अपना प्लान करके आए कि कितनी सीट वैकेंट हैं, क्या कट ऑफ रही है। इसमें 12 को इसमें एसटी कैटेगरी, एमबीसी कैटेगरी, एसटीए कैटेगरी का अलॉटमेंट होगा, और इसमें 13 को एससी कैटेगरी का होगा, 14 को फिर आगे कंटिन्यू रहेगा जिसमें मैनेजमेंट की सीट फिल होंगी। तो ये राजस्थान का अभी तक का अलॉटमेंट है जो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इस वीडियो के वेटिंग में थे, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उनको कट ऑफ का पता चल जाएगा तो वो परेशान नहीं होंगे काउंसलिंग में आने के लिए। तो ये कट ऑफ है, बाकी अपडेट जैसे जैसे मिलेगी
मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।